प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा और कर दिया रोड जाम। पुलिस ने किया इस दौरान लाठीचार्ज। राशन न मिलने, घर वापसी की बात को लेकर कल 500 से अधिक प्रवासी मजदूरों की तरफ से हंगामा करते हुए जलंधर बाईपास रोड को जाम कर दिया गया। प्रवासी मजदूरों का इस दौरान आरोप था कि सरकार की तरफ से जो उनकी घर वापसी के प्रबंध किए गए हैं वे काफी नहीं हैं। उनको बसों और किन्हीं और साधनों से अपने जनपद घिरे जाने की इजाजत दी जाए, जो वे अपने घर अपने परिवारों के पास सकुशल पहुंच सकें। यहां उनके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है और जो सरकार की तरफ से राशन उनको भेजा जा रहा है कई कई दिन चक्कर काटने के बाद मिल रहा है, और मिलता भी है तो वह बहुत ही कम मात्रा में होता है। 5-5 सदस्यों वाले परिवारों का गुजारा इससे नहीं हो सकता। इस समय उनकी हालत भूखे मरने तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि पिछले दिन राशन न मिलने के कारण निराश हुए एक प्रवासी मजदूर की तरफ से आत्महत्या कर ली गई थी, जिसके चलते प्रशासन के प्रबंधों की पोल खुलने से हड़कंप मच गया था। प्रवासी मजदूरों की तरफ से रोड जाम करने का मामला पता चलते ही थाना बस्ती जोदेवाल की पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग करते हुए मजदूरों को खदेड़ दिया। लुधियाना से रामकृष्ण अरोड़ा की रिपोर्ट। चलता था यहाँ पे जल्द।